आपका क्वेश्चन है डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पी, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, देखो क्वाड्रिलेटरल दैट इज योर ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलेटरल हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम टाइप बनाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, देखो ठीक है, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी सी एंड डी। ठीक है नाउ, अब इसमें क्या बोला है, डायगनल्स ए सी एंड बी डी, दैट मीन डायगनल्स इज ऑल्सो देयर, तो हम क्या करेंगे डायगनल बनाएंगे। तो ए सी इज द डायगनल और दूसरा हमारा बी डी इज द डायगनल। ठीक है, एक डायगनल को हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन। ठीक है नाउ, अब देखो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, दैट मीन दिस पॉइंट इज योर पी। ठीक है नाउ, अब आपके यहां पर कैसे हैं, देखो दो, अगर आप एक लेते हैं वन साइड कोई भी एक डायगनल, तो आपके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, टू ट्रायंगल्स। ठीक है नाउ, तो हम कौन सा ले रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। तो हमने ले लिया ये डार्क वाला। ठीक है ना, तो डार्क वाला अगर हमने ले लिया है ये वाला, तो आपके ये दो ट्रायंगल्स बन गए, एक तो आपका हो गया एबीसी और दूसरा हो गया एडीसी। तो बी, अब इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा आपका, तो हाइट इज ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो वी कैन से यहां से हम एक हाइट निकालेंगे, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन, दिस इज योर हाइट। तो दैट दिस पॉइंट इज योर, सपोज एम ले लिया आपने, है ना। तो वी कैन से बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो हमने एक परपेंडिकुलर उस साइड में बना दिया दूसरा, अब आपको दूसरा परपेंडिकुलर लेना है दूसरे वाले ट्रायंगल का। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपका ये है, दिस पॉइंट इज योर एन, दैट मीन्स हाइट, आपकी हाइट है वो, है ना। तो आपका क्या हो गया, देखो डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है, क्या है आपके पास में ट्रायंगल्स, तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, वी कैन फाइंड आउट। हमारे पास में एक दो तीन एंड चार, फोर, है ना। तो फोर ट्रायंगल्स हमारे पास में है, तो जस्ट वी विल सी वन बाय वन। तो फर्स्ट हमने ले लिया ये वाला, दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल। तो आपका ट्रायंगल है ए बी पी, ठीक है ना। तो ए बी पी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस क्या है, देखो एपी, तो वी कैन राइट इट एज हाफ इंटू एपी इंटू हाइट।
तो हाइट जो ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी जो हाइट होगी सेम हाइट इसकी भी होगी, है ना, सेम हाइट होगी उसकी, तो दैट इज योर बीएम, ठीक है। नाउ सेकेंड ट्रायंगल ले लो इसी साइड का, दिस वन, तो आपका देखो ट्रायंगल क्या है, बीपीसी, तो ट्रायंगल इज बीपीसी, तो ट्रायंगल इज बीपीसी, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इज पीसी इनटू हाइट इज बीएम, सेम, ठीक है। नाउ अब आप इस साइड में आ जाइए, दिस इज योर थर्ड ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस इज योर फोर्थ ट्रायंगल। तो थर्ड ट्रायंगल्स में आपका ट्रायंगल क्या है, देखो ए डी पी, ट्रायंगल इज ए डी पी, तो एरिया क्या होगा उसका, एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज ए डी पी इज इक्वल टू हाफ इनटू नेक्स्ट आपका क्या है, बेस इज ए पी एंड हाइट इज डी एन। नेक्स्ट अब आपका फोर्थ ट्रायंगल क्या है, देखो फोर्थ ट्रायंगल आपका ट्रायंगल है, फोर्थ वाला आपका है डी पी सी, डी पी एंड सी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज योर पी सी इंटू हाइट, अगेन सेम डी एन इज द हाइट। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस, है ना, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक एल एच एस यहां से यहां तक, दैट इज योर एल एच एस, तो हम ले लेंगे एल एच एस, तो एल एच एस में देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, ये दिया हुआ है, तो ये होता क्या है, दिस इज इक्वल टू योर दिस वन दैट इज योर ए पी बी इज हाफ इंटू ए पी इंटू बी एम, दिस वन इंटू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी क्या होता है, सी पी डी इज दिस वन, तो दैट इज योर क्या है, देखो हाफ इंटू पी सी इंटू डी एन, ठीक है। तो सब मल्टीप्लाई में है ये, है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप ए पी इंटू ए पी इंटू डी एन, ए पी इंटू डी एन, आप ये दोनों को क्लब करो ए पी और डी एन को, तो आपका देखो क्या आ रहा है, और हाफ के साथ, तो अब आपका यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू ए पी इंटू डी एन इंटू, नाउ इसको एक ब्रैकेट में ले लो, और जो बच गया आपका हाफ इंटू बी एम इंटू पी सी, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड आउट करो, तो आपका आ जाएगा ये किसका एरिया है, ए पी इंटू डी एन, ए पी इंटू डी एन इज ये वाले का, दैट मीन्स योर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए पी डी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी इनटू, नाउ सेकंड वाला देखो, बीएम इनटू पीसी, तो बीएम कहां पर है आपका, बी एम एंड पीसी, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल, है ना, तो दैट मीन्स आपका क्या है, ट्रायंगल बीपीसी, तो ट्रायंगल इज बीपीसी। अब चेक करो क्या आ रहा है, देखो ये आपका एलएचएस था, दिस वन, और ये देखो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एपीडी इज दिस वन इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी इज दिस वन, दैट मीन दिस इज योर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।